हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप सांत्रा एंड आप देख रहे हो ओनली फॉर डिज़ाइन। तो ये वीडियो मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मैं कौन कौन स्किल जानता हूँ, किसके ऊपर काम करता हूँ, क्या क्या आपको सिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। बहुत टाइम से सोच रहा था ऐसा एक वीडियो अपलोड करें, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था, लेकिन आज एक व्यूअर ने मुझे फ़ोन करके बोला सर ऐसे ऐसे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, तो इसलिए बना रहा हूँ। तो मैं बेसिकली एक वेब डिज़ाइनर हूँ, उसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन जानता हूँ। वेब डिज़ाइनर को बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानना पड़ता है, विदाउट ग्राफिक डिज़ाइन वो पीएचडी नहीं बना सकता, इसलिए फोटोशॉप भी जानता हूँ, इलस्ट्रेटर जानता हूँ, कोरल ड्रॉ थोड़ा बहुत जानता हूँ। उसके बाद आ गया वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 4, JavaScript, jQuery जानता हूँ। देन अभी WordPress में एक डेढ़ साल तो WordPress के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं कोई भी WordPress को HTML से WordPress में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आ गया थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का भी जानता हूँ, कुछ प्लगइन का काम भी जानता हूँ, तो थोड़ा बहुत WordPress के ऊपर नॉलेज है मेरा। तो आ जाता हूँ, आज वो बोला है अब स्टार्टिंग से एंड तक एक सीरीज बनाई है वेब डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन इसके ऊपर से। मेरा तो WordPress के ऊपर ही ऐसा है ही स्टार्टिंग से। तो वो बोला है बहुत सारा व्यूअर होता है जिसको पता नहीं होता है कहाँ से स्टार्ट करे कि वो अगर डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर बनना चाहते या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते वो कहाँ से स्टार्ट करे उसको पता नहीं होता है। तो आप एकदम स्टार्टिंग कीजिए तो बहुत हेल्प होगा बहुत लोगों को। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ स्टूडेंट को, बहुत सारा मेरा स्टूडेंट है, ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट भी करता हूँ बहुत सारा, एंड सोच रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस हम जो करते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो हम डालेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके एक एक वेब डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन इसके ऊपर। ठीक है, WordPress और है ही है, बहुत सारा वीडियो WordPress के ऊपर बना हुआ है। तो हम वेब डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर एकदम बेसिक से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए यस आप लोगों को चाहिए एकदम बेसिक से HTML एंड बेसिक से ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बोलिए मुझे के। तो उससे क्या होता है मैं भी बहुत हैप्पी फील करूँगा, या सबको सब दोस्त को चाहिए, व्यूअर को चाहिए चीज़ तो बहुत हैप्पी फील होगा और वीडियो बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा मुझे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हम देखना चाहते हैं किस किस को प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें, अगर वेब डिज़ाइन बनना चाहते हैं या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो, या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किस किस दोस्त को प्रॉब्लम होता है। मेरा बहुत सारा दोस्त ने मुझे मेल करता है जैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए जितना हो सकते हैं हम बोलता है मेल कर दो हम करके देंगे, तो करके देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बार बार हम करके देंगे तो आप भी कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये बेसिक है ये नेचुरल है। हम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो खुद से सॉल्व करना सीखिए, बार बार हम करके देंगे। आप बहुत सारा दोस्त ने कमेंट करता है सर ये फाइल मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आप कर दो, देखता हूँ बाद में देखता हूँ, खोल के देखता हूँ ये सिंपल सा प्रॉब्लम होता है, WordPress में प्रॉब्लम होता है, HTML होता है, सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। लास्ट दिन एक वीडियो आपको दिखाए थे कि ड्रॉप डाउन मेनू नहीं हो रहा था, वो बेसिक सा जस्ट कलर ड्रॉप डाउन मेनू वहाँ पे था, जस्ट कलर सेम हो जा रहा था बैकग्राउंड कलर के साथ, आइकॉन का कलर सेम हो रहा था इसलिए देख नहीं रहा था, तो इसलिए हम जस्ट दिखा दिए कैसे कलर चेंज करते हैं। तो ये बेसिक चेंजेस है, अब अगर नहीं सीखेंगे नहीं ट्राई करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो खुद से ट्राई कीजिए पहले कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप खुद से ही सीख जाएंगे। अगर बहुत प्रॉब्लम होता है हम करके देंगे, बहुत सारा दोस्त को करके देते हैं हम करके देंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप खुद से ट्राई कीजिए देखिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए किसके ऊपर वीडियो स्टार्ट करें, ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर स्टार्ट करें कि
वेब डिज़ाइन के ऊपर स्टार्ट करें, तो जो हम पकड़ेंगे एकदम फास्ट टू एंड तक, बहुत एडवांस लेवल पर नहीं दिखा पाएंगे शायद, अगर दिखा पाएंगे जितना हो सके एकदम बेसिक से हम दिखाएंगे। अगर वेब डिज़ाइन स्टार्ट करें तो HTML का टैग कैसे लिखता है, कौन टैग है, एट्रीब्यूट कौन सा है, सब दिखाएंगे। अगर ग्राफिक डिज़ाइन के स्टार्ट करें तो फोटोशॉप का कौन सा टूल है, कौन सा टूल में क्या क्या करता है, इलस्ट्रेटर का कौन सा टूल में क्या करता है, सब दिखाएंगे। तो बेसिक चीज़ से हम दिखाएंगे। तो कोई भी दोस्त को अगर प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं जानता कहाँ से स्टार्ट करता है, अगर ग्राफिक डिज़ाइन बनना हो तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, अगर वेब डिज़ाइनर बनना हो तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको पता नहीं है तो हम दिखा देंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं, आपका अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे से ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारा प्रोजेक्ट भी करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए किसके ऊपर हम वीडियो बनाएं पहले। तो हम वेट करके रहेंगे जो आप जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट रहेगा कि वेब डिज़ाइन के ऊपर स्टार्ट करें या ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर स्टार्ट करें, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट रहेगा हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक एक कोर्स बनाएंगे, वेब डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर कोर्स करेंगे, episode 1, episode 2, episode 3 ऐसे ऐसे करके कोर्स कराते जाएंगे। तो कोर्स के एंडिंग के लास्ट में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, अगर ग्राफिक डिज़ाइन करता है तो एक प्रोजेक्ट लास्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे, सब सीखने के लास्ट में एक एक प्रोजेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सा कोर्स हम पहले स्टार्ट करें, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारा लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत लोग ने फ़ोन करता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पी फील होता है कि मुझे जान रहा है, बहुत मेरा वीडियो बहुत लोग देख रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।